वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप इस वीडियो में यह जानेंगे कि स्पर्म्स कैसे रिलीज होते हैं। आप यह भी जानेंगे कि इजेकुलेशन किसे कहते हैं। Spermatogenesis takes place in the testes, within the seminiferous ducts. As sperm begin to mature, they are stored within the epididymis, a coiled structure atop the testes. With ejaculation, sperm are expelled from the epididymis, up the vas deferens, and into the pelvic cavity. There, the seminal vesicles and the prostate release fluids that accompany the sperm. Ejaculation शरीर से स्पर्म्स का निकलना है। प्रीमैच्योर इजेकुलेशन तब होता है जब स्पर्म्स किसी पुरुष या उसके साथी की तुलना में जल्दी होता है, जो सेक्स के दौरान होता है। जब एक आदमी सेक्सुअली स्टिमुलेट किया जाता है, ग्लैंड पेनिस और दूसरे स्टिमुली सिग्नल का उपयोग होता है, जिसके परिणाम स्पर्म श्रेणी में होते हैं। इजेकुलेशन के टाइम पर एपिडिडिमसमी की वाल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक प्रेशर बन जाता है जो स्पर्म्स को वस डिफरेंस मा पुश उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो लेजेंड सेंचुरी के नाम से है। धन्यवाद।